कविता, इतनी सुबह सुबह क्या बात है बच्चा? मम्मी जी या रवीश आपको चाबी देकर गए हैं? नहीं तो मुझे किसी ने नहीं दी। अरे गए होंगे यहीं कहीं, रवीश को फोन कर दे। आंटी मैंने फोन लगाया उन्हें, फोन स्विच ऑफ जा रहा है, सब ना मंदिर गए होंगे। लेकिन रवीश तो दोपहर से पहले उठता ही नहीं है, तो मंदिर कैसे जाएगा? अब तू चल अंदर, चल चाय पी ले, तब तक आ जाएंगे। अच्छा नहीं आंटी जी, मुझे पास ही में छोटे मोटे काम है, तब तक मैं वो कर लेती हूँ और जब तक सब आ भी जाएंगे। थैंक यू। ठीक। और भैया कितना टाइम लगेगा? बस हो गया मैम, अभी हो गया। मैडम जब तक आप ये रजिस्टर ले लो, इसमें आपका नाम और नंबर लिख दीजिए, पुलिस वाले पूछते हैं हम लोगों को। जी मैम। एक अंधेरी और शांत रात में मुंबई के चारकोप इलाके में स्थित वृंदावन सोसाइटी के लोग जब अपने अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे, तब उन्हीं के बीच रहने वाले एक ही परिवार के तीन लोगों की उन्हीं के घर में चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। इस परिवार का एक ही सदस्य जीवित बचा था और वो थी इस परिवार की बहू कविता, जो उस रात घर पर नहीं थी जब यह घटना घटी। कविता का उस रात घर पर ना होना ये उसकी किस्मत थी, एक संजोग था या फिर एक सोची समझी साजिश का हिस्सा? ये विक्टिम्स की बहू कविता। सर फोर्स एंट्री का कोई साइन नहीं दिखता, मर्डर वेपन भी गायब है, इनके पास की नहीं थी इसलिए की मेकर को बुलवाकर लॉक खुलवाया था। वैसे सर अंदर जैसे सामान बिखरा हुआ है, लगता है मामला लूट का है। इनका भी कहना है कि सेफ में कुछ ज्वेलरी और कैश थे जो अब नहीं है। और बाकी विक्टिम्स की कॉल रिकॉर्ड से करवा, कौन कहां था, किसने किससे क्या बात की, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर घर का कुछ सामान मिसिंग है तो उसकी लिस्ट बना, और अगर ज्वेलरी की फोटोग्राफ्स मिलते हैं तो उनके प्रिंट्स निकलवा के सारे मार्केट में सर्कुलेट करवा, इन केस कोई उन्हें बेचने की कोशिश करता है तो हमें पता चल जाए। यस। तुम कह रहे थे कि कविता सुबह घर पर आई है, तो रात भर कहां थी? सर वो बताने से मना कर रही है। कविता संभाल अपने आप को, कविता कविता अरे संभालो। देखिए अगर आप चाहती हैं कि
जिन लोगों ने भी आपके परिवार के साथ ये सब किया है उन्हें सजा मिले, तो आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। कल रात आप घर से कितने बजे निकली थी? 9:30 बजे डिनर के बाद। ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मम्मी जी आज मेरे फ्रेंड का संगीत है तो मैं सुबह आऊंगी। जाओ बेटा। अरे सुन तो, कितनी प्यारी दिख रही है, नजर तो उतार लो। अरे अब नजर उतार के क्या होगा मम्मी, मेरी नजर तो पहले उस पे पड़ चुकी है। तू चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है। जा बेटा तू, अपना ख्याल रखना। बाय। सब कुछ रोज की तरह था। आपने बताया कि आज सुबह आप 8:15 पे घर आई, रात भर कहाँ थी आप? मैं आपको नहीं बता सकती। देखिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, कोई क्विज शो नहीं है कि आप क्वेश्चन पास कर सकती हैं ऐसे। हमने पूछा है इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि कल रात आप कहाँ थी। सर मैंने आपसे कहा ना, मैं जानती हूँ मगर मैं आपको नहीं बता सकती। I'm sorry. कविता ने बताया कि उनके घर की चाबी आप लोगों के पास रहती थी सालों पहले। सर अब कविता और रविश की शादी हो गई तो रविश ने चाबियां वापस ली, कविता को जरूरत पड़ती है इसके लिए। कविता ने हमें बताया कि आप रविश से शादी करना चाहती थी। अगर आपको सच जानना है तो सामने वाले अहूजा से पूछिए, मुझसे ज्यादा वो बताएगी मेरे फैमिली के बारे में। सर रविश और मैं बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। कविता ने आपको मेरे और रविश के बारे में सब कुछ बताया पर अपने बारे में नहीं बताया कि वो मसाज पार्लर में काम करती थी। तो आंटी जी को ये बात पसंद नहीं थी। उन्होंने मुझसे एक बार कहा भी था कि उन्हें लगता है कि कविता ने रविश को फंसा के शादी की है। आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगेगा, वो तो रात को देर से आती थी और कभी कभी तो नहीं भी आती थी। पर एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। सामने के फ्लैट में इतना कुछ हो गया और आप लोगों को पता ही नहीं चला, किसी ने कुछ देखा नहीं कुछ सुना नहीं, सुनने में थोड़ी अजीब सी बात ज़रूर लगती है ना? हाँ मैं जल्दी सोने की आदत है। कल रात 10 बजे के करीब मैं जब सोने गई तो उनके घर से टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी, उसके बाद मेरी आँख लग गई और उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला सर। अनु की माँ ने रात 10 बजे उनके घर से आती टीवी की आवाज़ें सुनी थी, लेकिन कविता को सुबह टीवी ऑन नहीं मिला। इसका मतलब वो लोग रात 10 बजे तक तो जिंदा थे, यानी जो कुछ भी हुआ रात 10 से सुबह 8:30 बजे के बीच में हुआ है। अनु और उसकी माँ तो जल्दी सो जाते हैं लेकिन किसी ने कुछ ना कुछ तो सुना होगा। बाकी लोगों से बात करके देखो। इस सोसाइटी में 4 बिल्डिंग है और तुम वॉचमैन अकेले ही हो। जी साहब, बाहर का आदमी बिल्डिंग में आया भी नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ये रजिस्टर देखिए। कोई खून करने आएगा तो रजिस्टर में एंट्री करके आएगा। साहब मैं सच कहता हूँ, बाहर का आदमी कोई आया नहीं। रात को गेट पर ताला लगा के मैं पूरी बिल्डिंग में घूमता हूँ। कल रात जब कविता यहाँ से गई थी तो क्या तुमने उसे देखा था? हाँ साहब देखा था, लेकिन 9:30 बजे थे, वो तैयार होकर जा रही थी शायद कोई पार्टी वाल्टी में। सर ये तो एक ना एक दिन होना ही। मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आप देखिए ना सर, कंपाउंड की वॉल इतनी नीचे है, CCTV तो रहने दीजिए। 4 बिल्डिंग का सिर्फ एक वॉचमैन है और वो भी पूरा दिन रेडियो सुनते रहते। और सर इन लोग की भी गलती है, पूरा दिन दरवाजा खुल, बोलो तो झगड़े हो गए, लोग आ रहे जा रहे, कितना रिस्की एनवायरनमेंट है। ये सर ये औरत का कत्ल हुआ है और इसकी ज्वेलरी भी गायब है, अगर कोई भी यह ज्वेलरी बेचने आता है तो मुझे तुरंत फोन करना। जी ठीक है, मेरा नंबर है। थैंक यू सर। कविता के कॉल रिकॉर्ड थोड़ी देर में आ जाएंगे जिसे पता चल जाएगा कि वो कल रात को कहाँ थी। और कुछ? सर रविश पिछले 3 महीनों से बेरोजगार था, उसके पहले सेकेंड हैंड कार के शोरूम में एज ए सेल्समैन काम करता था। अलग अलग थानों में 2 NCs भी दर्ज हुई थी उसके नाम पर, एक मारपीट की और दूसरे प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की। थोड़ा टेढ़ा किस्म का लड़का था सर। और कविता? कविता बचपन से अनाथ थी सर, इसलिए उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो लोग उसको जानते थे उसका कहना है कि काफी अच्छी लड़की है, पोलाइट है, लेकिन ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं है। वो बैंड्रा के सलून में काम करती थी, वहीं उसकी मुलाकात रविश से हुई और दोनों ने शादी कर ली थी। उसके बाद कविता ने जॉब छोड़ दी थी। इसका मतलब कविता के ना तो दोस्त थे ना रिश्तेदार, ढूंढने पड़ेंगे वो लोग जो कविता के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सके। बहुत अच्छी थी सर वो, प्रोफेशनली और नेचर वाइज भी। जब वो यहाँ पे जॉब के लिए आई थी तब उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो कुछ ही दिनों में सब कुछ सीख लिया और इतनी पॉपुलर हो गई थी कि कस्टमर्स सिर्फ उससे ही मसाज थेरेपी करवाना चाहते थे। मेल या फीमेल? दोनों।
लेकिन सिर्फ मसाज के लिए। यहाँ पे वैसा कोई गंदा काम नहीं होता है जिसके लिए मसाज पार्लर बदनाम है। आप चाहिए तो आसपास पता करवा सकते हो। अगर वो इतनी अच्छी थी और इतनी डिमांड में थी तो उसने जॉब क्यों छोड़ा? अपने पति के लिए। उसका पति चाहता था कि वो एक हाउसवाइफ बने रहे और वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। उसके लिए कुछ भी कर सकती थी वो। थैंक यू सर। जिस सवाल का जवाब देने से कविता ने इनकार कर दिया था उसका जवाब मिल गया। कविता कल रात को घर से निकलकर पहले बैंड्रा के पाली रोड गई थी, फिर वहां से वो कोनाक हॉस्पिटल जहां वो पूरी रात रही थी। तो हॉस्पिटल में होने की बात ना बताने का क्या मतलब हो सकता है? हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। तीनों के मौत का वक्त एक ही है, तकरीबन 12:30 बजे। इसके अलावा तीनों की बॉडी में हमें नशे की दवा के ट्रेस मिले हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मारने से पहले उनके खाने में नशे की दवा मिलाई गई? हाँ, शायद दूध या दूध से बनी किसी और चीज में मिक्स करके। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। हमें घर में फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं मिले, यानी ये शर्मा इस कातिल को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। उन्होंने खुद कातिल के लिए दरवाजा खोला, कातिल ने उन्हें खाने या पीने के लिए कोई चीज दी जिसे खाके वो लोग बेहोश हो गए और फिर कातिल ने उन्हें मार दिया। उसने सेफ से जेवर और नकदी निकाले, दरवाजा बाहर से खींच के लॉक किया और चला गया। ये जो कोई भी था काफी फैमिलियर था इस फैमिली से। सर ये भी तो हो सकता है कि कातिल कविता ही हो। खाने पीने की चीज में उसने नशे की दवा मिला दी हो, फिर अपने प्लान को सेट करने के लिए घर से निकलकर कोनाक हॉस्पिटल पहुंच गई हो अपने किसी दोस्त से मिलने। फिर हो सकता है कि सर वापस घर आकर उसने अपनी ही चाबी से दरवाजा खोला और अंदर गई और पहले से ही बेहोश हो चुकी फैमिली का कत्ल करके वापस हॉस्पिटल आ गई। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये बात साबित करने के लिए हमें ठोस सबूतों की जरूरत पड़ेगी। एक काम करो, सावंत को फोन लगाओ और उससे कहो कि मौका है वारदात पे जाके किचन के सारे बर्तन जब्त करे और उन्हें फॉरेंसिक लैब भेजे। अगर कातिल ने खाने में नशे की दवा मिलाई थी तो बर्तनों पे उसकी उंगलियों के निशान मिल सकते हैं। ये कविता पूरी रात कोनाक हॉस्पिटल में थी ना कल, पता करना पड़ेगा कि वहां क्या कर रही थी। लेकिन कल की विजिटर लिस्ट में किसी कविता का नाम नहीं और ना ही कोई ऐसा है जिसका सरनेम शर्मा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हम इनकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो मिसेस तांबले है, मिस्टर श्रीधर तांबले की वाइफ, जो कि हमारे यहाँ प्राइवेट वार्ड में एडमिट है। What? कविता मेरी पत्नी नहीं है, सिर्फ दोस्त है। रात को यहाँ फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी को भी पेशेंट को मिलने की परमिशन नहीं है और उसका मुझसे मिलना जरूरी था। इसलिए कविता के पति और उसके इन-लॉज का मर्डर हो गया है, वो भी उस रात जिस रात वो यहाँ थी आपके साथ। लेकिन उस रात वो उसी के जॉब के बारे में बात करने मेरे पास आई थी। क्यों? मेरे लोगों से रिलेशन अच्छे हैं और उसके पति का बैकग्राउंड कुछ अच्छा नहीं था, इसके लिए वो चाहती थी कि मैं किसी से बात करके उसे जॉब दिलवा दूँ। सर हॉस्पिटल और कविता के एरिया के सभी केमिस्ट से पता किया, जो नशीली दवा विक्टिम के बॉडी में मिली थी वो उसने नहीं खरीदी थी। और एक अजीब बात सर, जो बर्तन हमने कविता के घर से जब्त करके लैब में भेजे थे उनमें से भी नशीली दवाई का कोई ट्रेस नहीं मिला सर। हो सकता है कि सबूत मिटाने के पर्पस से कातिल वो बर्तन भी अपने साथ ले गया, बिल्कुल मर्डर वेपन की तरह जो हमको अब तक नहीं मिला। एक काम करो, इस तांबले के बारे में हमें और पता लगाना होगा। चूंटी सही, लेकिन कविता जैसी लड़की का खुद को उसकी पत्नी बताकर उससे मिलने जाना कुछ अजम नहीं होता है। एक काम करो, इस तांबले के परिवार वालों से बात करो, पता लगाओ कि क्या वो भी कविता को जानते हैं और अगर जानते हैं तो कैसे और कितना। यस सर। नमस्ते बेटे। नमस्ते गोयल साहब। बेटा आपसे कुछ बात करनी थी। जी आइए ना बैठिए। जी आइए। देखो बेटे, तुम बेटी जैसी हो मेरी, इसलिए आई केयर फॉर यू। समझ सकता हूँ कि कितना मुश्किल टाइम है इस वक्त तुम पर, लेकिन जो कुछ भी हुआ इस घर में उसमें तुम कहाँ खुश रह पाओगी? वो सब याद आता होगा ना रोज। बेटे बेच डालो इस घर को। हाँ, क्योंकि जब तक यहाँ रहोगी ना वो सारी चीज तुम्हें परेशान करेगी और मैं तुम्हें बेस्ट प्राइस दिलाऊंगा, एकदम बेस्ट प्राइस है ना। डबल प्राइस मिले। हाँ, ये घर बहुत कीमती है, आप मुझे उतनी कीमत नहीं दिलवा पाएंगे। इस घर में मैं पहले
पहली बार दुल्हन बनकर आई थी, मेरे सास ससुर ने एक एक पैसा बचाकर इस घर को बनाया था। सॉरी गोयल साहब, ये घर बिकाऊ नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्ते जी। साली धंधे वाली है, भाव तोल तो करेगी ना। मान जाएगी, मान जाएगी, मैं संभाल लूंगा, हो जाएगा हो जाएगा। सर, तामले की फैमिली ने उसके रंगीन मिजाज के चलते काफ़ी पहले से उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। उनका कहना है कि उसके कई औरतों से रिश्ते थे। तामले को हॉस्पिटल में मिलने जाने से पहले कविता इसी बैंड्रा वाले घर में आई थी। वहीं से उसे पता चला कि तामले हॉस्पिटल में है, तो कविता सीधा वहीं से हॉस्पिटल चली गई। ओ, यानी जिन औरतों से तामले के रिश्ते थे उनमें से कविता भी एक हो सकती है। तभी वो हमें नहीं बताना चाह रही थी कि घटना की रात वो कहाँ थी। कविता, हम लोग चलते हैं, अपना ख्याल रखना। सर, बिना कोई क्लू या स्ट्रॉन्ग मोटिव के रविशी बचता है आगे बढ़ने के लिए। सर, हो सकता है कि उसी के किसी दुश्मन का ये काम हो। अगर ऐसा है तो उसका कोई करीबी दोस्त जरूर जानता होगा कि ये दुश्मन कौन है। रविश के फ्रेंड्स को जानते हो? जी, शक्ल से जानता हूँ कुछ लोगों को, बाकी नाम पता नहीं मालूम। साहब जी, उसके कुछ दोस्त तो गुंडे जैसे दिख रहे थे, उनमें से एक पिछले हफ्ते बाइक पे आया था, बाकी यही गेट पे रुकी थी। साहब, फ्रेडी करके एक था, बहुत क्लोज था उसका। यस सर, रवि सर मैं काफी अच्छे फ्रेंड्स थे सर, कॉलेज के टाइम से ही हम काफी क्लोज थे एक दूसरे के सर, पर मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि रविश मर चुका है। अगर ऐसा था तो अपने बेस्ट फ्रेंड की पत्नी को तसल्ली देने जाने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई तुम्हें। सर, मेरा भी यही थॉट था स्टार्टिंग में, पर सर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कविता के पास कैसे जाऊं और उसे कैसे कंसोल करूं। क्यों, ऐसा क्या था? अभी तो मिले थे उससे पिछले हफ्ते, अकेले? बाकी यही गेट पे रुकी थी, शायद रविश का वेट कर रहा था। रविश तो नहीं आया, कविता आई थी, आपस में कुछ बात हुई। बात तो मैंने नहीं सुनी साहब, पर वो दोनों कुछ नहीं थे। अकेले? इसका क्या मतलब? सर, रविश की तरह कविता भी मेरी अच्छी फ्रेंड है और उसने मुझे खुद कॉल किया था। और सर, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उससे छिपके मिला था। सर, मैं उसे बिल्डिंग के सामने मिला था। सर, वो क्या है कि रविश के बारे में कविता से कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी? सर, रविश अपनी लाइफ में बिल्कुल सीरियस नहीं था और सर वो कोई जॉब भी नहीं कर रहा था, तो सर कविता इन सब बातों को लेकर काफ़ी परेशान रहती थी। तो सर, कविता ने मुझसे खुद कहा था कि इन सब बातों को लेकर रविश से मैं एक बार बात करूँ। कल रात कहाँ थे तुम? सर, कल रात मैं अपने घर पे था। आप चाहे तो मेरी बीवी से पूछ ले। घर पे था ही? हाँ सर। तू तो विधवा हो गई शन्नो। तुम चले जाओ, यहाँ मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, यहाँ शरीफ लोग रहते हैं। तो तू इन शरीफों के बीच में क्या कर रही है? नीचे आ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, समझी? चल लीजिए आप। हेलो, क्या सलाम साहब? क्या हुआ था? अरे, एक अजनबी आदमी कविता जी से यहाँ पे बात कर रहा था। चल चले, पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़। फिर उसको जबरदस्ती गाड़ी में डाल के ले गया। कैसा दिखता था वो? सर, वो हटकटा था, उसके आगे के बाल कम थे, मूछ थी। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और उसका स्केच बनवाओ। यस सर। अभी बहुत आग बची है तुझमें, इस तरह सालों का जो मेरा नुकसान हुआ है ना, वो सब भर के देना पड़ेगा तुझे। मुझे बोल, देगी ना? देगी ना? हाँ। नहीं, घबराने का नहीं। तेरे पति ने जो प्रॉपर्टी छोड़ के गया है ना तेरे नाम पे,
वो सब प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगी ना, करेगी ना। हाँ बोल ना, हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल, बोल। मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मुझे ऐसे भागना नहीं चाहिए था, बल्कि तुझे मार के भागना चाहिए था। मुझे 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 मारेगी साली, मुझे मारेगी साली तू, बोल, मारेगी मुझे, मारेगी मुझे। फंदा से मेरे बारे में गलत सोचना मत। सब ये रहा स्केच। सर खबरियों ने वो अड्डा यहीं के एड्रेस पर बताया था। चारों तरफ नजर रखा, चौकन्ने रहना सब। सर कविता यहां भी नहीं। दशा ऊपर तक। चल चल सर, वो यहां पे है। चल, वो आदमी सर, उसे मैं अंकल कहती थी। अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उसी के साथ रहती थी। धंधा करवाता था सर जबरदस्ती मुझसे, इसीलिए मैं 18 साल की उम्र में उसके ऐसे भाग गई। अपना नाम, अपनी पहचान सब बदल दी मैंने। बहुत मुश्किलें झेली मैंने। फिर काम की तलाश में भेंडा के एक सैलून में जा पहुंची। कविता ध्यान से देखना मैं जो स्टेप बता रही हूं। जिंदगी जैसे थोड़ा पटरी पे आ गई हो, और उसी वक्त रवि से मुलाकात हुई मेरी। और हम दोनों ने शादी कर ली। तामले कब मिला तुम्हें, शादी के पहले या शादी के बाद? शादी से पहले। रवीश अपनी जॉब को लेकर बहुत डेस्पिरेट थे, जो कि उन्हें मिल नहीं रही थी, इसीलिए इतने सालों बाद मैं तामले से मिली। तामले साहब, अगर आप रवीश की कोई जॉब लगवा देते हो बड़ी मेहरबानी होती है आपकी। ठीक है, मैं अपने पहचान वाले से बात करूंगा। थैंक यू सो मच। आप आराम करिए, मैं इधर ही बैठी हूँ। हाँ, मुझे लगा कि शायद वो रवीश को कोई काम दिला दे। तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? अंकल, जिन लोगों को मेरा खिराक बनाकर लाया करते थे, उन्हीं में से एक था तामले। बस इसीलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया। हम सबके जीवन में ऐसी कुछ सच्चाइयां होती हैं जिन्हें हम समाज और अपनों द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के डर से छिपा कर रखते हैं। लेकिन इन हालात में जहाँ पुलिस उसके अपने परिवार के साथ हुए इतने बड़े हादसे की सच्चाई को सामने लाने के लिए दिन रात एक कर रही थी, वहां उसका खुद से जुड़ी सच्चाई को छिपाना गलत था। फिलहाल पुलिस ने कविता की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन क्या कविता वाकई सच बोल रही थी? कविता का यह अपहरण कहीं किसी दूसरी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं था जिसे वो इस अंकल के साथ मिलकर अंजाम देना चाहती थी? साले बोलना शुरू कर, हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी मैं, बोल। आपको जो करने का कर लो, बेल तो मुझे मिल जाएगी। इस बार तुझे बेल नहीं मिलेगी, क्योंकि अपनी औकात से बड़ा हाथ मार लिया है तूने। जब कविता की किडनैपिंग के साथ साथ तीन मर्डर के चार्ज लगेंगे ना तुझ पे, तो मुंबई का कोई लॉयर तुझे बेल नहीं दिला पाएगा। मर्डर? सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया। रविश को उसके साथ तो मैं जाने की हिम्मत ही नहीं करता था उसके सामने, तो मैं उसका खून कैसा करूंगा? क्यों, ऐसा क्या किया था उसने तेरे साथ? मैंने किया क्या?
मार क्यों रहे हो तुम लोग? सुन बे, अब तक जो तेरी शन्नू थी ना, अब वो मेरी कविता है। मेरी बीवी आज के बाद उसकी तरफ आंख उठा के भी देखी ना, तो तुझको यहीं पे फाड़ कर रख दूंगा साले, समझा तू? दिमाग से एकदम मेड़ा था साहब वो। फ्रेडी, आता जाएगा। यस सर। सर, फ्रेडी नहीं है अंदर। तुम मिलो उसको फोन कर। यस सर। हेलो, कंट्रोल रूम। स्मार्ट बनते हैं, स्मार्ट बनते हैं। क्या चक्कर था रेडी, क्या चक्कर था? भाग क्यों रहा था हमसे? भाग क्यों रहा था हमसे? बोल बोल। सर वो अपन को मार डालेगा, जैसे अपने राविश को मारा था। किसने मारा राविश को? सर पाटिल, जिसे हमने लूटा था। कौन है तुम? ए, कौन है? छोड़ बैग मेरा, बैग छोड़। ए, रुका, ए, बैग रुका। सर पाटिल, मेरे और मेरे दोस्तों के साथ बहुत दिनों से पीछे लगा था। मेरा एक जो फ्रेंड था जो इस सब रॉबरी में शामिल था, पाटिल ने सर उसे ढूंढ निकाला। इस फ्रेंड किधर है? सर मुझे नहीं पता सर। सर मुझे नहीं पता। तेरा बॉस? नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। किधर है फ्रेंडी? सर उसकी टांगे तक तोड़ दी उसने। मतलब तुम्हारे इस लूट में राविश भी शामिल था? नहीं सर, राविश हमारे साथ लूट में शामिल नहीं था। सर मैंने उसे ऑफर भी किया था लेकिन उसने मना कर दिया। रविश मेरी बात तो सुन भाई, रविश क्या कर रहा है? तो लास्ट टाइम क्यों बैकआउट कर रहा है? तुझे पता ना पैसों की कितनी जरूरत है? मैं जानता हूँ यार, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं कविता को प्रॉमिस कर चुका हूँ यार कि मैं आगे से कोई गलत काम नहीं करूंगा, और मैं उसका प्रॉमिस तोड़ नहीं सकता। भाई प्लीज यार, लास्ट टाइम करते ना, इसके बाद मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा तुझे, पक्का प्रॉमिस। रविश सॉरी यार। उस दिन कविता ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और उसने मुझे वार्निंग दी कि अगर तुम आगे से रविश को किसी गलत काम के लिए बुलाते हो तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कसली रॉबरी साहेब, मेरे साथ कोई रॉबरी नहीं हुई और ना ही मैंने कोई कंप्लेन किया। चलिए अपने वकील को तो आप लेके आए गए हैं, ऐसा करते हैं आपके अकाउंटेंट को हम बुला लेते हैं अकाउंट स्टेटमेंट के साथ, पता चल जाएगा कि उस दिन की सेल का पैसा बैंक में जमा हुआ था या नहीं। अदालत में यह भी जवाब देना पड़ेगा आपको कि फ्रेडी की जिस दोस्त की टांग आपने तोड़ी, क्यों तोड़ी? फ्रेडी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा पैसा लूटा था साहब, लेकिन जब तक मैं उस तक पहुंचता वो गायब हो गया। रविश के माँ बाप को क्यों मारा? रविश? ये रविश कौन है? कौन रविश? अच्छा, कौन रविश? समझाओ अपने क्लाइंट को, ट्रिपल मर्डर का चार्ज है इस पे। रविश फ्रेडी का बेस्ट फ्रेंड था, इससे पहले फ्रेडी के साथ हर मामले में इन्वॉल्व रहा करता था, लेकिन इस मामले में उसका कोई हाथ नहीं था। मगर तुझे लगा कि फ्रेडी और बाकी के लोगों की तरह तेरे साथ हुई लूट में रविश भी शामिल था, इसलिए तूने रविश को मार दिया और उसके माँ बाप को भी। ये बिल्कुल गलत है साहेब, मैं तो रविश को जानता तक नहीं। हाँ मैंने उसके दोस्त को मारा था, मैं फ्रेडी को ढूंढ भी रहा था सिर्फ अपना पैसा वापस पाने के लिए। अभी उनका खून करके मेरे को क्या मिलता साहेब? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जब उस लड़के को मारा तो उसने सिर्फ उससे दो नाम लिए, एक गौरांग और दूसरा फ्रेडी। रविश का तो उसने नाम भी नहीं लिया साहेब। सर, गौरांग और उस ग्रुप के सभी लड़कों से बात की सर, उनमें से किसी ने भी पाटिल को रविश का नाम नहीं बताया था, और पाटिल और उसके आदमियों के बारे में भी पता किया सर। जिस रात वो मर्डर हुए थे उस रात तो उस एरिया के आसपास उनमें से कोई भी नहीं था, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन सर लूट की वारदात के दो दिन बाद पाटिल चारकोप में ही था, रविश के ही एरिया। रविश को नहीं जानता कहा तूने? तो लूट के दो दिन बाद उसके एरिया में क्या कर रहा था तू? रविश का एरिया कौन सा एरिया साहब? 15 नवंबर चारकोप में था तू, हमारे पास सबूत भी हैं और गवाह भी, याद आया? चल बता क्या कर रहा था साहब। 15 तारीख को गया था मैं चारकोप में, लेकिन रविश वहाँ रहता है ये मुझे नहीं पता था, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ रविश को। अब मेरा भाई डेवलपर है, उसने एक बिजनेस मीटिंग अरेंज की थी उसी के लिए मैं गया था, फिर बात जमी नहीं तो मैं वापस आ गया। अच्छा, और किसके साथ हो रही थी तेरी ये बिजनेस डील? वो सब वो
गोयल या गोयल करके कोई आदमी था सर, जो वो सेक्रेटरी था एक बिल्डिंग का। उसका कहना था कि उसके पास बिल्डिंग के सारे फ्लैट हैं और वो सस्ते दामों पे हमें दिलवा देगा, फिर हम वो बिल्डिंग तोड़कर वहाँ पर टावर बना सकते हैं। इसके लिए मोटी रकम भी मांग रहा था। पहले तो हम तैयार हो गए थे, फिर हमने उससे पेपर मांगे तो उसके पास फ्लैट के कोई पेपर नहीं थे सर। तो फिर हमने बोला कि मीटिंग बाद में करेंगे, कि ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता सर। लगता है पाटिल झूठ बोल रहा है। बिजनेस डील के लिए ठीक रविश के एरिया में ही उसी की बिल्डिंग में जाना काफ़ी बड़ा इत्तेफाक लगता है, जो कि पॉसिबल नहीं लगता। फिलहाल तो मुझे इसकी यही बात ठीक लग रही है कि अगर इसने दूसरे लड़के की सिर्फ टांग तोड़ के उसे छोड़ दिया तो रविश को क्यों मारेगा, और साथ में उसके माँ बाप को भी। और रविश के दोस्त भी कह रहे हैं कि उन्होंने रविश का नाम नहीं लिया, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी तो थोड़ी कम है। अभी तो गोयल से मिलते हैं चल के, पता तो चले कि पाटिल की डील वाली बात कितनी सच्ची है। इसे पहचानते हैं, हमारे लॉकअप में है इस वक्त, रविश और उसके माँ बाप के फोन के सिलसिले में। एक कहानी सुनाई है इसने और उसमें आपका जिक्र है, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, इसने आपको क्या बताया वो तो मुझे पता नहीं, खाली बात हुई थी सर, ऐसा कुछ सीरियस नहीं। तो कविता और बाकी के दो लोगों को फ्लैट्स बेचने की सलाह क्या धर्म का काम करने के लिए दी थी आपने? नमस्ते बेटे। नमस्ते गोयल सर। यहाँ की सोसाइटी की मीटिंग में भी आपने सब लोगों से यही कहा ना, क्योंकि इस बिल्डिंग में मर्डर्स हो चुके हैं इसलिए यहाँ के फ्लैट्स की कीमतों पर असर पड़ेगा और आप वो फ्लैट ज्यादा कीमत में बिकवा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ना, इस मर्डर का फायदा उठाने की फिराक में आप। तो ऐसा तो नहीं कि पाटिल के साथ मिलकर आपने मर्डर्स करवाए? सर सर, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, ये कत्ल वतल के बारे में तो सोच भी नहीं सकता हूँ सर मैं। सर आपको कोई गलत फहमी हुई है सर। कुछ एक महीने पहले रविश को जान से मारने की धमकी दी थी तुमने मिस्टर शरीफ गोयल। सर वो तो गुस्से से सर गुस्से में निकल गया था सर, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी सर, वो रविश के साथ झगड़ा हुआ था सर, वो गलती रविश की थी, मैं तो चुपचाप जा रहा था सर। ए हीरो, ए हीरो, ये सोसाइटी है क्या, दारू पी के गिलास फेंक रहा है? चल जा अभी, नाटक मत कर अंकल, जा अभी, हो गया बस। ए तेरी एक गुंडागिर्दी यहाँ नहीं चलेगी, समझा क्या? क्या क्या अंकल, तुझे प्यार से बोला ना, अभी बोला ना, प्यार से बोला ना, समझ में नहीं आया, दूसरे ढंग से समझाऊं? गुंडागिर्दी करने का है क्या? रविश क्या हो रहा है? कुछ नहीं पापा, आया बस। अभी पापा ही तो छोड़ रहा हूँ बेटा, नहीं तो यही निपटा देता तुझे, समझा? ऐसी तेरी गुंडागर्दी चली ना तो कोई एक दिन तेरा ही निपटारा करके चला जाएगा। हाँ अच्छा, कर लेना बेटा, चल आजा। धमकी नहीं दिया था सर, उसे समझाया था, और सर गुस्से में अगर मुंह से कुछ निकल जाए तो सही में थोड़ी किसी को कोई मार देता है सर। जिस रात कत्ल हुआ उस रात 9:30 से सुबह 8:30 के बीच कहाँ थे? हाँ सर, मैं अपने घर पे ही था सर, मैं वीडियो कॉलिंग पर अपने बेटे से बात कर रहा था 4 बजे तक का, उसके बाद एक साइड पे जाके 3 पत्ती खेल रहा था, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं सर। कंप्यूटर कहाँ है आपका? सर वो पाटिल और उसके भाई के साथ जो मैं बात कर रहा था वो रीडेवलपमेंट की कर रहा था सर, और आप तो अभी आए, देखे ना बिल्डिंग की हालत क्या है सर। सर अगर इस कत्ल के पीछे किसी का हाथ हो सकता है तो वो है कविता, रविश की पत्नी। क्यों? क्योंकि कविता ने आपको फ्लैट बेचने से मना कर दिया इसलिए? अरे नहीं नहीं सर, सर मैंने अपनी आंखों से देखा है कविता को रविश को ब्लैकमेल करते हुए। जी हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हारे सास ससुर को पता था इस बारे में? जिस दिन ये सब हुआ उसी दिन हमने सबको बताया था, और सर ये बात जानकर सब बहुत खुश भी हुए थे। तुम भी? जी मैंने पूछा तुम भी, ये कैसा सवाल है? मैं माँ बनने जा रही थी, तो मुझसे ज्यादा और कौन खुश हो सकता था? लेकिन हमें पता चला कि तुम्हें बच्चा नहीं चाहती थी, रविश को धमकियां दे रही थी कि तुम इसे अबॉर्ट करवा दोगी। सर अगर इस कत्ल के पीछे किसी का हाथ हो सकता है तो वो है कविता, रविश की पत्नी। कविता क्या है ये सब? कविता हम लोग बात कर सकते हैं इस बारे में, ये सब क्या है? बस रविश, हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे, या तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी वरना मैं हमारे बच्चे को गिरा दूंगी, समझे? तो हाँ सर, मैंने रवि से ऐसा कहा था क्योंकि वो और उसके दोस्त मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे थे सर, मुझे नहीं पता क्या प्लानिंग कर रहे थे पर कुछ तो गलत कर रहे थे, और सर मैं नहीं चाहती थी कि रविश ऐसा कुछ गलत करे, इसलिए मैंने रविश को धमकी दी थी, अगर उसने कुछ गलत कदम उठाया तो मैं बच्चा गिरा दूंगी।
ये बेचना है, इसका कितना मिलेगा? मैं चेक करते हैं। इसको वजन करो, देखो कितना है। हेलो पुलिस स्टेशन, इसके साथ और भी जेवर थे ना, वो नहीं बेचने तुम्हें? ये सब मैंने नहीं चुराया साहब, मैं सच्ची बोलती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो कांदीवली के करवर में भीख मांगती है। चुराया नहीं तो कहाँ मिला, भीग दिया किसे? नहीं सर, वो तो उस दिन मैं भीख मांग रही थी तब। जिस औरत ने ये बैग फेंका उसे पहचान सकती हो? नहीं सर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई सर। लेके जाओ उसे। नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मैं सच्ची बोलती हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सर इस मामले का तो सिरा तक हमारे हाथ में नहीं आ रहा है, अब कैसे पता चलेगा कि बैग फेंकने वाली औरत कौन थी? हो सकता है कि सर वो कविता ही हो। बिल्कुल हो सकता है, वॉचमैन ने हमें ये बताया कि उस रात बाहर से कोई भी अंदर नहीं आया और ना ही उसने कोई आवाज सुनी। इससे यही लगता है कि वो जो कोई भी है बिल्डिंग के अंदर का ही आदमी, वरना शर्माज ना तो इतनी रात उसके लिए दरवाजा खोलते और ना ही उसका दिया हुआ कुछ खाते। एक काम करो, उस बिल्डिंग के हर आदमी और फैमिली का सेल लोकेशन निकलवाओ जिसका रविश और उसके माँ बाप से कोई संबंध है, और ये भी पता लगाने की कोशिश करो कि वो बैग फेंकने वाले इंसिडेंट के वक्त मंदिर के आसपास कौन था। और एक काम करो, एक टीम को कविता के एरिया में भेजो और सारे मेडिकल स्टोर से ये पता लगाने की कोशिश करो कि जो सेडेटिव्स हमें विक्टिम्स की बॉडी से मिले थे क्या वो कविता की बिल्डिंग से खरीदे थे किसी। अब तक सामने आई हर बड़ी छोटी पहेली को हल करने के बाद ये पहली बड़ी कामयाबी थी जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम के हाथ लगी थी। उन्होंने रवीश और उसके परिवार की हत्या के बाद उनके घर से लूटे गए जेवर बरामद कर लिए थे। हालांकि एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन फिर भी इससे इस केस को सॉल्व करने में कोई खास मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि जिस औरत से गहने बरामद किए गए थे उस औरत ने उस महिला का चेहरा नहीं देखा था जिसने इन्हें फेंका था। पिछली हर बार की तरह इन्वेस्टिगेटिंग टीम फिर से एक बार खाली हाथ खड़ी थी, बिना किसी सबूत के, बिना किसी क्लू के। लेकिन ये एक सोच थी, या यूं कहिए कि पुलिस की एक गट फीलिंग थी कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि उसी बिल्डिंग का कोई है, या तो वो रवीश और उसके परिवार का कोई अपना है या फिर उनका कोई बहुत करीबी। और पुलिस की ये फीलिंग सही साबित हुई और जो चेहरा सामने आया उसने सबको चौंका दिया। सर कॉल रिकॉर्ड की डिटेल्स आ गई है, उसे पता चला है कि सर उस दिन करवे रोड पर ये एक ही नंबर एक्टिव था। सीधा सवाल करता हूं, सीधा जवाब देना, रविश और उसके माँ बाप को क्यों मारा? मैंने मारा? क्या बोल रहे हैं आप? झूठ मत बोलो। 17 तारीख को एक औरत ने रविश के घर से लूटी कैश और ज्वेलरी कांदीवली के गणेश मंदिर के पास पड़े डस्टबिन में फेंक दी थी। जो वहां बैठी भिखारी ने देख लिया मगर वो उस औरत का चेहरा नहीं देख पाई, हमें वो बरामद हुआ है। ये तुम्हारे फोन रिकॉर्ड से भी ये पता चलता है कि जिस वक्त वारदात हुई तुम्हारा फोन गणेश मंदिर के आसपास था, मतलब ऑब्वियसली तुम वहां थी। सर मेरे फोन की लोकेशन मंदिर? सर मैं मंदिर सिर्फ 3 दिन जाती हूँ वीक में, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और दूसरा सबूत, ये नशीली दवा तुम लेती हो? हाँ। यही नशीली दवा रविश और उसके माँ बाप के ब्लड में मिली है, एंटी डिप्रेसेंट है ना ये, तुम्हारे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की थी ना तुम्हें ये, और कत्ल के 2 दिन पहले तुमने इसी एरिया के मेडिकल स्टोर से खरीदी थी ये, सच है कि नहीं? सर मैं मानती हूँ मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ लेती हूँ, वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे मंदिर भी जाती हूँ, पर सर मैंने रविश को नहीं मारा, सर मैंने किसी को भी नहीं मारा। लेकिन 17 नवंबर को ना वेंसडे था, ना थर्सडे था, ना फ्राइडे था, फिर भी तुम गई थी, जो कि तुम नहीं जाती हो। जाहिर है ना कि तुम भगवान के दर्शन करने नहीं गई थी, अपने पाप धोने गई थी वहां, इसीलिए लेने आए तुम्हें। ये क्या उसे? एक मिनट सर, उस दिन मंडे था और मैं मंडे को मंदिर नहीं जाती हूँ, मैं घर पर ही थी और मेरा फोन।
मुझसे देखा नहीं गया तेरा तड़पना। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, रविश उसके साथ था, मगर रवि ने उसे अपनाने से भी इनकार कर दिया, ये कह के कि उसे शादी नहीं करनी थी। मैंने उसके माँ बाप के पैर भी पड़े थे। देखिए, वो बच्चा रवीश का है या किसी और का, ये सब हम नहीं जानते। अरे गलती आपकी बेटी से हुई है ना, तो उसकी सजा हम क्यों भुगते? नहीं बस बहुत हो गया, अब आप जाइए यहाँ से, माफ कीजिए। जो भी हुआ भगवान की मर्जी समझकर मैंने मान लिया और बच्चा गिरा कर अनु की शादी कर दी। रोज शराबी निकला, रोज मारता था इसे, और उस दिन अनु क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रही, क्या चाहिए तुझे? अरे बोल तो सही बेटा, क्या चाहिए तुझे? अरे अरे देख अनु, क्या कर रही तू? ना कर हो गई क्या तू? छोड़ दे अनु, क्या कर रही तू? एक मिनट, मैं तेरी माँ हूँ ना, मुझे बता क्या बात है, क्या बात है? आंटी जी ने दी थी रमेश के मामले, माँ कभी तो माँ पहले वाले गए, रमेश को बच्चा होने वाला, घर में सारे लोग बहुत खुश थे, पर माँ ये खुशियाँ तो मैं भी दे सकती थी उस घर को, माँ मैं दिला नहीं शादी माँ। नहीं अनु, मैंने तभी सोच लिया मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बहन जी गर्मा गर्म खीर लाई हूँ। अरे वो किस खुशी में भाई? अरे आपके घर में नया मेहमान जो आने वाला है। चोरी हुई थी और चोरों ने सबको मार डाला, सारी चीजें मैंने बिखेर दी थी और पैसे जेवर सब निकाल लिए थे मैंने वहां से। मैं तो कविता को भी मार डालना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो घर पर नहीं थी, मुझे कोई पछतावा नहीं है उनको मारकर। शांति मिले मुझे उनसे मेरा देखकर। अन्नू रवीश से प्यार करती थी जो कि अधूरा रह गया था, और अन्नू की माँ ने इसे हर उम्मीद का अंत समझ लिया था, जिससे उनके मन में निराशा ने जन्म लिया, निराशा ने नफरत को पैदा किया और इसी नफरत ने उन्हें तीन इंसानों का कातिल बना दिया। दूसरी तरफ कविता ने अनाथ होकर भी जिंदगी से लड़कर अपना प्यार अपनी खुशियों को हासिल किया, लेकिन तकदीर ने उससे वो सब कुछ छीन लिया जो उसने हासिल किया था, जो उसने पाया था, उसका परिवार, उसका पति, सब कुछ। लेकिन फिर भी उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और 6 महीने के बाद कुदरत ने उसे फिर से जीने का मौका दिया। उसके बच्चे ने उसके जीवन में वो रंग फिर से भर दिए जो उस हादसे की वजह से कहीं खो गए थे। ना उम्मीदी का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन इतना गहरा कभी नहीं हो सकता कि उम्मीद की किरण को रोक सके। जरूरत है तो अपने आप पर यकीन रखने की। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।